नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। पार्टी की प्रोग्राम है, पार्टी प्रोग्राम में आए लेकिन अभी यहाँ पे आए हमारे मंत्री जी आप मिस्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, उनके प्रोग्राम यहाँ पे है। 370 जो है संसद में ऑलरेडी 5 अगस्त हम लोग पास किया है। 370 इसके बारे में आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी है, इसलिए प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। मंत्री जी का थोड़ा फ्लाइट लेट थी, इसीलिए उन्होंने रास्ते में ही कराया। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग का पार्टी का लीडर से भी लीडर यहाँ पे है, लीडर साहब में अलग से प्रोग्राम नहीं कर रहा है, इसलिए इसके अलावा दूसरे जो प्रोग्राम है वो कौन कर। आप जिस पार्लियामेंट क्षेत्र से आते हो अभी प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? प्रॉब्लम जीतने के बाद क्या सोचा था? तो देख रहे बंगाल में क्या हो रहा है और बंगाल का हालत क्या है, आपको बहुत अच्छी तरीके सबको मालूम है। बंगाल का जितना जो लोग हैं बहुत परेशानी हो रहा है, बंगाल का जो सरकार चल रही है, ये जो ममता बनर्जी का सरकार, जो जनता ने ममता बनर्जी का खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी को अपना जो काम मिल रहा है, यहाँ पे कोई युवा का कोई काम नहीं है। किसानों को बहुत तकलीफ में किसान दिन गुजारता है, तो हर जनता ने हर लोग यहाँ पे बहुत परेशानी से उनको दिन गुजारना पड़ता है। लेकिन जो सरकार जो वादा किया था 2011 में, जो एक भी काम हुआ नहीं, और जो युवा के लिए जो बोले थे ना, जो हम काम देंगे सरकार सबको नौकरी मिलेगा, किसी को भी नौकरी मिलता है नहीं। किसान लोग यहाँ पे उनका खेती हो रहा है लेकिन वो तो खैर उनका बात हो गया, सेठ का बात हो गया। आप जिस पर आते हैं, जिस पार्लियामेंट सेशन से, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम से एज ए पार्लियामेंट आपने क्या आवाज उठाया? सभी जगह में एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा और इरेशन हो रहा है, वहाँ पे इरेशन के प्रॉब्लम में बहुत फंसा हुआ है। जो गंगा है, कुल्हर नदी है, और भी क्या अपनों के प्रॉब्लम जो होता है, सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम स्टेट ऑल्सो सेम प्रॉब्लम है, उन लोग वहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम जनता के लिए जनता के साथ हम लोग लड़ाई में शामिल हम लोग हैं, मैं भी हूँ। अगर आज हम अपने मुख्य वक्ता जनरल वी के सिंह जी के मुख से सुनेंगे, जब कभी भारतीय जनता पार्टी का मंच से या किसी साधारण मंच से भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल बोलने का बात आएगा तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप भारतीय जनता पार्टी भारत वही है साथियों, भारत के सैनिक वही है, भारत के तमाम लोग वही है। सिर्फ एक व्यक्ति अगर बदलता है तो कैसे पूरा भारत बदलता है, हम लोगों ने 5 सालों में देखा। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमारा हिस्सा पूरा हो गया, हो गया नहीं? अब ये कहानी क्या भी थी दूसरा धर्म, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा। मैं पहली बार कश्मीर गया मैं 10 साल, मेरे पिता फौज में थे, वो वहां पर कश्मीर के अंदर पोस्टेड थे, मैं उन स्कूल में पढ़ता था राजस्थान में, और वहां से मुझे मिलने गया। और एक चीज मुझे आज तक याद है कि हम किसी दुकान पर गए तो दुकानदार ने कहा, बेटा इंडिया से आए हो? और मैं सोचने लगा कि ये क्या बात है, कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया से आए? 10 साल के बच्चे को पता नहीं होता, उस टाइम में नहीं पता था, आजकल तो सब गूगल गूगल से पूछ रहे हैं। दूसरी बार जब कश्मीर गया तो 14 साल का था, एनसीसी का एक कैंप था एडवांस लीडरशिप कोर्स, उसमें स्कूल की तरफ से मुझे भेजा गया और मैं पहलगाम गया। फिर कोई चीज सुनाई नहीं दुकानों के ऊपर, आप हिंदुस्तान से आए? और उसके बाद आकर मैंने अपने स्कूल में पूछा कि ये क्या बात है, क्या है? तो एक अध्यापक ने बताया, ये सब 370 का सवाल है कि कश्मीर के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी भारतवर्षी नहीं मानते, और ये अनुच्छेद जो हमारे संविधान में डाला गया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के कारण, क्योंकि राज्यों का जब विलय हुआ उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं कि उनको कोई स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन उनका प्यार और लगाव तो ज्यादा था, ये डाला गया और इसको अस्थाई तौर पर रखा गया टेम्परेरी। इससे हुआ ये कि कश्मीर के लोग ये सोचने लगे कि 370 के कारण वो भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक बात ठीक है, ठीक बात ठीक है, ऐसा उनको सोचना चाहिए था, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमने उनको एक ऐसा जरिया दे दिया, एक ऐसा काम दे दिया, एक ऐसा तरीका दे दिया जिससे कि अलगाववाद करें। अब देश के सब हिस्से देश के अंदर होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, तो ये अलगाववाद जो परंपरा था इसको दूर करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना? फौज के अंदर बहुत लोग कश्मीर के अंदर तैनात होते हैं, बहुत लोग काम के लिए जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, उनको अगर ये कहा जाए कि आप कहीं बाहर से आए हो तो गलत बात, और इसलिए इसका हटना जरूरी था। ऐसा अनुच्छेद हटना जरूरी था जो कि 35A में है कि अगर आपकी बेटी का विवाह होता है तो उसका अपनी पैतृक, गलत बात है कि नहीं? हटना जरूरी था कि नहीं? एक बार हाथ उठा उठाकर बताए कि हटना जरूरी था। फौजी ढंग से बात कर रहा हूं, हटना जरूरी था, लेकिन 70 साल तक ये ऐसे ही हिस्सा हुआ चलाया, और इसके लिए एक सशक्त मजबूत सरकार चाहिए थी और एक सशक्त नेता चाहिए था जो हमें नरेंद्र भाई मोदी की शुरू कर। और किसी के अंदर ना काबिलियत थी, ना दम था, ना शक्ति थी, ना सोच थी, ना विचारधारा था, लेकिन जो बंगाल के सपूत ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय जनसंघ को एक नारा दिया था कि कश्मीर को भी आजाद कराना है, वो अब 70 साल के बाद हुआ, और इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए
कि ये 370 अनुच्छेद अब हट रहा है, होनी चाहिए कि नहीं? अभी तो वैसे ही खुश होनी चाहिए, पूजा का समय आ रहा है, खरीदारी कर लो कि पूजा की खरीदारी कर ली पक्का? देखिए 370 हटा है, वहां के लोगों को इससे क्या फायदा होगा वो जान। हमारे यहां जितने भी कानून हैं वहां पर वो कानून लागू नहीं होते, क्योंकि उनका एक अलग संविधान है। एक हमारे यहां इंडियन पैनल कोड होगा, वहां पर रणवीर पैनल कोड था, उनका कोई अगर अलगाववादी कुछ गड़बड़ करता था तो बच जाता था, क्योंकि उनके कानून इस प्रकार के। और मैं आपको अपने अनुभव से फिर से बताता हूं, क्योंकि मैंने 12 साल कश्मीर के अंदर फौज के तहत अलग अलग जगह पर नौकरी की है। जितना पैसा भारत सरकार आपकी जेब का कश्मीर के अंदर लगा है, किसी प्रदेश में नहीं। और उस पैसे से जितना विकास होना चाहिए था विकास नहीं हुआ, लेकिन घर जो है जो वहां पे इतने सियासत में थे, राजनीति में थे, उनके महल जरूर बनते। मैंने इतने गांव देखे हैं वहां पर जहां गांव से मेन सड़क का रास्ता नहीं, पत्थर का रास्ता है। रात को अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए या कोई बहन बीमार हो जाए तो उसका हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल है। ये अच्छी बात नहीं है ना? नहीं है ना? जोर से बोलो यार, खबर भेजिए।